एयर इंडिया एक वक्त एविएशन सेक्टर में भारत की साख का कारण थी। एक वक्त था जब बड़ी बड़ी एयरलाइंस को छोड़कर लोग एयर इंडिया के धीमे सफर को अहमियत देते थे। एक वक्त था जब सिंगापुर एयरलाइंस ने एयर इंडिया को अपना रोल मॉडल बनाया था, लेकिन ये सब अब गुजरे जमाने की बात हो गई है। एयर इंडिया अब उस दौर में पहुंच गई है जहां या तो ये बिकेगी या फिर बंद हो जाएगी। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कुछ दिन पहले संसद में सीधे इस बात की घोषणा कर डाली। इस बयान के बाद अब यही लग रहा है कि जल्द ही एयर इंडिया के खरीदार नहीं मिले तो ये बंद हो सकती है। इस समय कंपनी पर 58,000 करोड़ का कर्ज है। साल 2018-19 में एयर इंडिया घाटा देने वाली दूसरी सबसे बड़ी सरकारी कंपनी थी। एयर इंडिया सरकार के लिए सफेद हाथी साबित हो रही है। एयर इंडिया को बेचने के लिए सरकार कई बार कोशिश कर चुकी है, लेकिन हर बार नाकामी ही हाथ लगी है। सन 2000 में पहली बार एयर इंडिया को बेचने की बात सामने आई थी। सन 2003 में नरेश चंद्र कमेटी ने इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया के प्राइवेटाइजेशन का प्रस्ताव दिया, जिसका खूब विरोध हुआ। 2007-08 में एयर इंडिया में इंडियन एयरलाइंस का विलय कर दिया गया। कांग्रेस की सरकार के समय भी बेचने को लेकर बात उठी थी, लेकिन मनमोहन सरकार ने इस प्रस्ताव को कोल्ड स्टोरेज में डाल दिया और प्रफुल्ल पटेल के नेतृत्व में दोनों राष्ट्रीय सेवाओं को बढ़ाने पर ध्यान दिया जाने लगा। 2018 में पहली बार टेंडरिंग हुई, इसमें 76% हिस्सेदारी बेचने की घोषणा हुई थी। 2020 में दूसरी बार टेंडरिंग हुई, इसमें सरकार ने 100% हिस्सेदारी बेचने की बात कही और अब तक 4 बार तारीख को आगे बढ़ाया जा चुका है। यानी सरकारी सफेद हाथी को कोई खरीदना नहीं चाहता। इसके पीछे की कई वजह हैं। एयर इंडिया पर 58,000 करोड़ रुपए का कर्ज है। सरकार की शर्त, जो इसे खरीदेगा उसे 23,000 करोड़ का कर्ज भरना होगा, बाकी कर्ज एयर इंडिया होल्डिंग्स को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। एयर इंडिया को बेचने के लिए एंटिटी वैल्यू को आधार बनाया जाता था, जबकि वैल्यू का सही आधार एंटरप्राइजेस लेवल पर होता है। हालांकि खरीदार नहीं मिलने की वजह से सरकार एयर इंडिया को बेचने की शर्तों में ढिलाई बरत सकती है, ताकि किसी भी तरह से एयर इंडिया को बचाया जा सके। इस वक्त एयर इंडिया को चलाने का खर्च भी सरकार उठाना नहीं चाहती। एयर इंडिया की हालत खस्ता होने के बावजूद कंपनी के पास असेट्स भी भरमार है। एयर इंडिया के पास बड़े घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क के ट्रैफिक राइट्स हैं। लंदन, दुबई जैसे महत्वपूर्ण एयरपोर्ट पर स्लॉट हैं। एयर इंडिया के पास बड़ा टेक्निकल मैन पावर और फ्लीट भी है। एयर इंडिया के बेड़े में कुल 127 विमान हैं और एयर इंडिया एक्सप्रेस के बेड़े में कुल 25 विमान मौजूद हैं। घरेलू एविएशन बाजार में एयर इंडिया की 12.7% हिस्सेदारी है। 2019 में 1,86,00,000 पैसेंजर ने एयर इंडिया में उड़ान भरी थी। अगर सरकार की ओर से एयर इंडिया को बचाने के लिए कर्ज की शर्त में ढिलाई दी जाती है तो हो सकता है कोई खरीदार एयर इंडिया को खरीदने में दिलचस्पी दिखाए।